हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक ज़बरदस्त वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं नान खटाई। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हुए हैं कि जो हमारी नान खटाई है कितनी परफेक्ट बनी है और कितने बढ़िया इसके अंदर क्रैक्स आए हैं और दिखने में भी कितनी ज़्यादा डिलीशियस है। तो ये सचमुच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है खाने में। और अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद अगर ये नान खटाई ट्राई करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी नान खटाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है, क्योंकि एक बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज आपको ये बनाना सिखाने वाली हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नान खटाई खाना तो सबको ही पसंद है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो फटाफट से। तो फ्रेंड्स, नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कोई भी कटोरी या एक कप ले लें मेज़रमेंट के लिए, और उसी से आप सारी चीज़ें मेज़र करें। तो यहाँ पे मैंने एक कप लिया है और मैंने इसमें 50 ग्राम लिया है। सबसे पहले यहाँ पे शुगर पाउडर जो भूरा होता है वो मैंने यहाँ पे लिया है, और उसी कप से सेम मेज़रमेंट में मैंने यहाँ पर डाला है देसी घी। और इन दोनों ही चीज़ों को हमें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करना है, बिल्कुल स्मूथ बनाना है जिससे कि थोड़ा फ्लफी हो जाए। और बिल्कुल भी स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर बिल्कुल एक भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। तो हम स्पून की सहायता से पहले हम इन दोनों ही चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा चीनी और घी का जो बैटर है ये बिल्कुल स्मूथ बन चुका है। तो अब हम इसमें जो हमारी और चीज़ें हैं वो हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, जिस कप से मैंने हमारी जो चीनी थी, जो शुगर पाउडर था और जो घी था मेज़र किया था, उसी सेम कप से हमने एक कप लेना है मैदा, और उसका आधा कप हमने लेना है यहाँ पे बेसन जो नॉर्मली हम सबके घर में पतला वाला जो बेसन होता है, और उसी कप का 1/4 पार्ट हमने लेना है यहाँ पे सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ पे बारीक वाली यूज़ की है। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच नमक, क्योंकि जो नान खटाई होती है ये हल्की सी सॉल्टी होती है टेस्ट में। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 पिंच जो इलायची पाउडर होता है वो फ्लेवर के लिए। तो फ्रेंड्स, सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे डल चुके हैं। तो अब हम इसका एक डो रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्पून से मिलाने के बाद अब मैं थोड़ा अपना फिंगर का हाथ का इस्तेमाल करके इसका डो एक रेडी कर लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो डो है इसमें हमने कोई दूध या पानी का यूज़ नहीं किया है, जो हमने घी डाला था ये उसी से ही ये इसका डो रेडी हो चुका है। तो 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, नान खटाई रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिया अवन में रखी जाने वाली ट्रे, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो भी हमारा रेस्ट कर चुका है। तो हम इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और इस तरह से इसको हाथ पे रख के इसे राउंड राउंड घुमाएंगे, और इसको एक छोटी सी हल्की सी गोल शेप में, जैसे कि पेड़े जो होते हैं इतनी शेप इसकी बना के, इस तरह से हम इसको ट्रे में रख देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया जो हमारी नान खटाई है ये देखिए कितनी सुंदर ये दिख रही है अभी से, और बेक होने के बाद तो ये और भी ज़बरदस्त लगेगी। तो इसी तरह से जो हमारी पूरी ट्रे है इसमें थोड़ा सा स्पेस रखते हुए हम अपनी सारी नान खटाई को लगा लेंगे बेक होने के लिए। तो फ्रेंड्स, 16 काउंटिंग में ये हमारी नान खटाई बन चुकी है, और अभी इसमें 14 और बजेंगी, कुल मिला के ये हमारी 25 से 30 नान खटाई इसमें ईजिली बन जाएंगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पिस्ता और बादाम काट के रखा हुआ था, तो इसको हम इसके ऊपर एक एक पिंच करके प्रेस करके सभी नान खटाई के ऊपर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रे हमारी रेडी है। तो चलिए अब हम इसको अवन में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रे मैंने अवन में लगा दी है, तो टेम्परेचर हम रखेंगे 180 डिग्री, और कन्वेक्शन मोड पे हम रखेंगे इसको 10 मिनट के लिए, और ये 10 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट हमारी बेक हो जाएगी। 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है।
और फ्रेंड्स, अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं अपनी नान खटाई, तो आप कुकर या कढ़ाई में भी जैसे हम स्ट्रेन रख के उसको बेक करते हैं, तो 15 मिनट में आपकी जो नान खटाई है वो ईजिली कढ़ाई या कुकर में बेक हो जाएगी। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जो भी आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो नान खटाई है ये बेक हो चुकी है। तो 10 मिनट मैंने इसको ठंडा होने दिया है। तो ये देखिए, एक बिस्किट में आपको निकाल के दिखाती हूँ कि नान खटाई, ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी बनी है, और ये पीछे से बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुकी है, सिक चुकी है। और ये देखिए कितना ईजिली ये टूट गई है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो हमारा नान खटाई का वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप भी बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा पेज है कुक डिलीशियस के नाम से। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।